लौटते हैं ताल ठोक के आज का जो मुद्दा है बहस का, आज का जो डिबेट है, फ्री कश्मीर पॉलिटिक्स। जी हाँ, ये पोस्टर देख रहे हैं आप, ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। फ्री कश्मीर मतलब कश्मीर की आजादी के लिए पोस्टर, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अब ये जो आंदोलन हो रहा था, ये हो रहा था जेएनयू के नाम पर, आपको याद होगा जेएनयू वायलेंस जो हुआ, जो रात को कुछ गुंडे 35 से 40 गुंडे घुसे वहां पर, पिटाई हुई। एबीवीपी ने कहा लेफ्ट के छात्र थे, लेफ्ट की तरफ से कहा गया एबीवीपी के छात्र थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, रजिस्ट्रेशन विवाद था, सब कुछ हुआ, दो गुटों के बीच हिंसा, सब कुछ हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे जो है हिंसा की आग फैली, फिर आंदोलन की आग फैली, फिर आंदोलन मुंबई पहुंचा। लेकिन मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में फ्री कश्मीर के पोस्टर, अब जेएनयू की लड़ाई में, जेएनयू की जंग में कश्मीर कहां से आ गया? कश्मीर की आजादी की मांग करने वाले ये लोग कौन है जो जेएनयू आंदोलन के नाम पर सड़कों पर उतरे थे? वो बयान सुनिए आप, जब वहां पर फ्री कश्मीर का पोस्टर वहां पर लहराया गया, क्या हुआ था वो सुनिए, उसके बाद डिबेट करते हैं। लेकर रहेंगे आजादी, जान से प्यारी आजादी, जेएनयू मांगे आजादी, जामिया मांगे आजादी, एएमयू मांगे आजादी, मुंबई मांगे आजादी, दिल्ली मांगे आजादी, यूपी मांगे आजादी, इंडिया मांगे आजादी, तुम क्या नहीं दोगे? नई बात नहीं, आजादी आजादी के नारे आपको 2016 में भी सुनाई दिए थे जेएनयू में, आपको याद होगा। मेरे साथ पहले अतुल अंजान, पहले मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं। अतुल अंजान जी, जेएनयू का कश्मीर, जेएनयू विवाद में कश्मीर की एंट्री कैसे, फ्री कश्मीर क्या असर, ये समझ नहीं आया। देखिए, जेएनयू का आंदोलन जनतांत्रिक आंदोलन है, विद्यार्थियों का अपना आंदोलन है, विद्यार्थी अधिकारों का आंदोलन है, जिस आंदोलन को चलते रहना है। सरकार की नीतियों के खिलाफ, फीस वृद्धि के खिलाफ, हॉस्टल में किराया बढ़ा जाने के खिलाफ, मेस के चार्जेस के खिलाफ, ये सारे सवाल हैं जिस पर है। फ्री कश्मीर कहां से आ गया? फ्री कश्मीर का क्या मतलब है? कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इस पर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग फ्री कश्मीर भीड़ में कहीं लगा दें तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, ये आंदोलन को कमजोर करने का मामला है। जो लोग इस आंदोलन के अंदर घुस आए हैं वो कश्मीर के सवाल को लेकर के हमारे आंदोलन को कमजोर कर, भारत में इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं कहना चाहता हूं हमारी पार्टी की साफ लाइन है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंग है, इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। और कुछ मनचले, कुछ दिमाग से अपनी बात सोचने वाले लोग कहीं भी इस लोकतंत्र के अंदर नारा लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े लोकतंत्र में कुछ लोग अगर दिशा भ्रम पैदा करते हैं तो उससे हमारा लोकतंत्र ये नहीं है कि हम कहें यहां कुहड़ बतियां नाही जो तर्जनी देख डर जाही। इस तरह के लोग हम लोगों ने बहुत देखे हैं और फिर कह रहा हूं मजबूती के साथ, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंग है, इस देश के संविधान के अंतर्गत ये सारे सभी समस्याओं का समाधान जो लोग हैं जिनके आपने अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। जी अतुल अंजान जी, पूरे सम्मान के साथ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये लोग आए जेएनयू की आवाज उठाने थे, जो हाथ में फ्री कश्मीर लेकर आए थे, ये लोग आए जेएनयू के हक की आवाज। अरे आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत से लोग आंदोलन करते थे, पिछले साल हमने देखा कई देशों में। अब वो कह रहे हैं कि एक खास धर्म के मानने वाले भारत छोड़ो, तो ये सब इस तरह के सरफिरे लोग घूमते रहते हैं हमारे समाज में। और हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इन तथाकथित आवाजों से हमारा लोकतंत्र विचलित नहीं होगा, हमारा संविधान कोई टूट फूट नहीं जाएगा। इसको और मजबूत करने की जरूरत है, उतनी ही मजबूती से आवाज उठाओ कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का विभाग जंग है, ताकि ये सब लोगों की आवाज कोई मायने नहीं रखती। और अतुल कुमार अंजान जब कह रहे हैं ना, तो वामपंथ की आवाज है इस देश की, इसको भी याद करने की जरूरत है। शहनवाज हुसैन, आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है ये? देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है और जब से वो विश्वविद्यालय बना है सरकारों ने उस पर पूरा ध्यान दिया है, लेकिन कुछ दिनों से पढ़ाई के अलावा एक नारा ही वहां सुनाई देता है, इससे आजादी उससे आजादी, जो नारे वहां लगे वही नारे जाकर हर जगह लगाए जा रहे हैं। और दुश्वारी ये हो रही है कि इस आंदोलन में भी वो लोग
जो पढ़ने के लिए आए थे वो कभी नारा लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो कोर्ट पर भी उंगली उठा रहे थे। इसी मानसिकता के लोग फ्री कश्मीर का बोर्ड लेकर खड़े हो गए और वहां पर वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए भी इस तरह की बातें कही और वहां पर वो खड़े होकर फ्री कश्मीर, कश्मीर का सिर्फ कह देना कि वो हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन फिर किस बात का फ्री कश्मीर, किस बात का कश्मीर से आजादी। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम पर जो लोग पूरे देश में बीजेपी से लड़ते लड़ते थक गए, अब उन्होंने उस केंद्र को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बना लिया है। और जिस तरह की हरकत हुई उस हरकत के बाद हर जगह वही मानसिकता के लोग फ्री कश्मीर का बैनर लेकर खड़े हो गए और यही तस्वीर दुनिया में छपेगी और भारत की तस्वीर को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाएगा। लेकिन लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जो एबीवीपी को बदनाम करने के लिए बनाया गया, उसका भी सोर्स पता लगा कि ये हिंदुस्तान में नहीं बनाया गया, हिंदुस्तान से बाहर बनाया गया। आखिर कौन लोग हैं जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं? लेकिन जेएनयू की हिंसा में कश्मीर कहां से आ गया? मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, जेएनयू हिंसा को लेकर आंदोलन, विरोध तो मैं पूछ रहा हूं, सब कुछ हो सकता है, सियासी टक्कर कैसे हुई? संजय राउत का रिएक्शन हैरान करने वाला था। जवाब देना होगा शहनवाज हुसैन साहब, आप सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। संजय राउत शिवसेना, वो कह रहे हैं फ्री कश्मीर का मतलब आप लोग गलत समझ रहे हैं भाई। फ्री कश्मीर का मतलब होता है कश्मीर में इंटरनेट दे देना, मोबाइल इंटरनेट, ये सारी चीजें। संजय राउत फ्री कश्मीर की वकालत कर रहे हैं। सुनिए सियासी टक्कर, फिर क्रेडिट सोमैया को भी सुनाइएगा। फ्री कश्मीर का मतलब है मेरे हिसाब से जिस तरह से वहां इंटरनेट बंद है, मोबाइल सेवा बंद है, लोगों के आने जाने में बंधन डाले हैं, उसे फ्री करो। ऐसा हमने आज पढ़ा अखबार में और टीवी पे, जो लड़के जो थे वो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत ही बंधन डाले हैं, मीडिया डाले हैं। मैं संजय राउत से पूछना चाहता हूं, आप इस प्रदर्शन को क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं? आपका कश्मीर में 370 को समर्थन है और भैया वहां पर मांग चल रही है कश्मीर को चाहिए आजादी, और इस प्रकार के इलीगल प्रदर्शन चल रहे थे, देशद्रोही नारे चल रहे थे, तो मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? मतलब हैरानगी। कमलेश राय, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बड़ा मुश्किल सवाल होगा आपके लिए, महाराष्ट्र की गद्दी के लिए, सत्ता के लिए फ्री कश्मीर कबूल? गठबंधन ना खतरे में पड़ जाए इस चक्कर में, फ्री कश्मीर कबूल? कमलेश राय, अभी आपने सुना, संजय राउत साहब ने बताया आपको फ्री कश्मीर का मतलब। आज कश्मीर में एक साल से बैंकिंग इंटरनेट बंद है, वहाँ के मोबाइल इंटरनेट बंद है। कमलेश जी आराम से आप पहले सुन लीजिए, फिर बोलिए। आप ये बताइए कि जो उस अनपढ़ लोगों को, वहाँ की जनता है, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है कमलेश जी, आपके पास एक मिनट चाहिए। वहाँ के लोगों को इंटरनेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमलेश, उनका बिजनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमलेश, उनके बच्चे पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं? ऊपर बोला गया है ये कश्मीर को अलग करने के लिए बात नहीं हो रही है। चलिए ठीक है कमलेश जी, आपके पास पेपर पेन है? अगर आपके आसपास पड़ा हो पेपर और पेन, उस पे एक बार फ्री कश्मीर लिखकर ऐसे दिखा दीजिए। अगर आई चैलेंज चाहिए उस पे फ्री कश्मीर लिखकर ऐसे कैमरे पे दिखा दीजिए। ऐसा है, आई चैलेंज यू, कहलाना चाहते अगर, अगर सुनिए नहीं, आपके हिसाब से फ्री कश्मीर का मतलब फ्री इंटरनेट होता है ना? बोलता हो तो फ्री कश्मीर लिखिए ऐसे पेपर पे, फ्री कश्मीर, और ऐसे दिखा दीजिए। आई चैलेंज यू, कश्मीर का मतलब कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात करता हो? हाँ, आजाद कश्मीर करते हैं हम हमेशा, हमें गलत साबित करिए। पेपर लीजिए, लिखिए फ्री कश्मीर डिमांडेड बाय संजय राउत, सबसे लिख दीजिए, लिखिए फ्री कश्मीर। शिवसेना लड़ते रही है इस चीज के ऊपर, और सबसे पहले बाला साहब ने बोला था, नाम मत लो बाला साहब ने बोला था कि अगर कोई हम नहीं है बाला साहब का नाम लेने का, मत लो नाम बाला साहब का। अरे कौन बोल रहा है नहीं अभी नाम लेने का हक नहीं है? फ्री कश्मीर की कौन बोल रहा है? फ्री कश्मीर को क्रेडिबिलिटी देकर के कौन बोल रहा है? बाला साहब की बात करते हो, जूते मारने को कहा था उन्होंने,
क्यों नहीं करेंगे? किसके पुतले पे जूते मारे थे? हाँ, तो कहा था तो हम कर रहे हैं। पुतले पे जूते मारे थे? चमचागिरी नहीं कर रहे हैं। पुतले पे दलाली कर रहे हो? दलालों जैसी बात कर रहे हो? तुम देश को बर्बाद कर दिए। हिम्मत है तो तुमने इस देश ने बर्बादी ला दिया। नौजवानों के ऊपर सावरकर के पहना के लाठी चार्ज करवा रहे हो। तुम्हारे से जूते मारे साहब ने, तुम्हारे जैसे गंदे लोग जो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं और गंदगी रखते हैं, जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आज हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रहे हैं, आज लोगों को थोड़े शब्दों का चयन ठीक करें, डिवाइडर रूल करने का काम कर रहे हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए, कमलेश राय अगर कह रहे हैं, अगर संजय राउत कह रहे हैं कि फ्री कश्मीर का मतलब है फ्री इंटरनेट, तो फिर ये महज इत्तेफाक है क्या मोहम्मद अली शाह कि अलगाववादी और आतंकवादी भी जब पंडितों का वहां से सफाया हुआ था 90 में तब भी फ्री कश्मीर का नारा, आजाद कश्मीर का नारा लगाते थे और अलगाववादी भी फ्री कश्मीर का नारा लगाते हैं? ये महज इत्तेफाक हो सकता है मोहम्मद अली शाह? नहीं, एक तारीख को तो एक इंटरनेट भी चालू हो गया वहां पर जी। सबसे पहले मैं ये आपको देखिए, अगर और कोई मोहम्मद अली शाह है वहां पे तो बोल दें, आप बात करें पे मैं चुप, मैं खामोश रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्ट हो रही हैं ये जेएनयू के समर्थन में हो रही हैं और उसमें फ्री कोई और मुद्दे को यहां पे बीच में ना लाया जाए, और जो लोग तीसरे मुद्दे को लेके आ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, फ्री कश्मीर का प्रोटेस्ट हो रही है किसी और चीज का तर्जुमा है? आप कुछ और मुद्दे को लेके वहां पे आके कूद पड़े। आप देखिए भाई साहब, अगर आप मेरे को मौका दे रहे हैं बोलने का तो मैं बोले दीजिए, और कोई भी ना टोके मोहम्मद अली शाह जी। फ्री कश्मीर का आपके लिए क्या तर्जुमा है? आपके लिए क्या मतलब है फ्री कश्मीर का? कोई अगर फ्री कश्मीर ऐसे दिखाए तो उसका मतलब क्या, वो इंटरनेट मांग रहा है या कश्मीर को आजाद करने की मांग कर रहा है? सर देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। अगर कोई भी लेमैन ऐसे पोस्टर को देखता है, जैसे आपने भी बताया कि आप चैलेंज करते हैं किसी भी पैनलिस्ट को लिख के कैमरा में दिखा देने का, तो कोई भी राइट थिंकिंग आदमी सोचेगा भाई ये क्या हो गया, वो इंटरनेट के बारे में नहीं सोचेगा। तो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उस पर, ठीक कर रहे हैं। आपको स्पेसिफाई करना होता है कि क्या मतलब है, ठीक है? तो मैं वो उस बात पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाद में उस लड़की ने एक वीडियो निकाला है, इसने क्लैरिफाई करा है कि उसका मतलब था इंटरनेट से ये सब वो सब। भाई अब बाद में क्लैरिफाई करते रहे, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप स्पेसिफाई तो करें। जैसे आजादी के नारे लग रहे हैं मगर वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एनआरसी से आजादी, CAA से आजादी। मैं तो यही सुना कहीं पे भी प्रोटेस्ट में कोई बोल रहा है कि कश्मीर से आजादी या कश्मीर को चाहिए आजादी, ये तो नहीं सुना मैंने प्रोटेस्ट में। हाँ, आजादी के नारे जरूर लगे हैं, वो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप से आजादी, तनाशाही से आजादी, उस तरीके की आजादी नारे चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जब हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं, उसको कंबाइन कर लेते हैं किसी तीसरे मुद्दे में, वो गलत बात है। एनीवे, मैं आपको एक चीज और जी जी भाई, ये बताइए जेएनयू में जो हुआ, पहली बात तो ये है कि ये लोग घुसे कैसे? एक घर मोहम्मद अली शाह, थोड़ा कनेक्शन का दिक्कत है, ठीक करवाता हूं। 1935 में, ठीक है, मैं कनेक्शन ठीक करा। आ रही है मेरी? एक मिनट सर। हाँ, आ रही है, कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ जी, तो वो इसको उस प्रोटेस्ट से ना जोड़ा जाए, पहली बात तो जोड़ा क्या ना जाए सर, उसी प्रोटेस्ट में तो फ्री कश्मीर रहा है, क्यों ना जोड़ा जाए सर? ये कौन लोग हैं, ये फ्री कश्मीर, इनकी हिम्मत कैसे होती है, इनकी क्या हैसियत है कि इनकी हिम्मत कैसे होती है सर? आंदोलन जेएनयू के नाम पर ही हो रहा है ना, ये जितने जुड़े हैं सारे जेएनयू के नाम पर ही जुड़े हैं। इफ्राजान, कश्मीर में चले पोस्टर हो रहा है, कश्मीर के नाम पे नहीं हो रहा है, कश्मीर वो अलग मुद्दा है, वो प्रोटेस्ट अलग हो चुकी है। ठीक सर, एक मिनट इफ्राजान, इसके बाद आपको लंजान आपके पास आ रहा हूँ और शहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा हूँ, पहले इफ्राजान। देखिए, आपने पहले एबीवीपी की बात की, जो फ्री कश्मीर का आपके लिए क्या मतलब है? बोलूंगी, जो जेएनयू में हिंसा हुई, अनिमा घोष जो है वो कल नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने एक्सेप्ट किए, एबीवीपी की जनरल सेक्रेटरी है, कहती है कि हम लोग लाठियां और एसिड लेके घूम रहे थे। आपके लिए क्या मतलब है फ्री कश्मीर? मैंने पोस्टर नहीं लगाया, इसलिए मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जिसने लगाया,
भी लगता है इंटरनेट वाला है। एक सेकंड मैं आपको एबीपी बोल सकते हैं, आप फ्री कश्मीर बोल रहे हैं ना, बोल रही हूँ, आप हैकल नहीं कीजिए। मतलब पहली बात, कश्मीर से आपका क्या मतलब है? कश्मीर से आपका मतलब है वहाँ की जमीन, या कश्मीर से आपका मतलब है वहाँ के 80 लाख लोग जो वहाँ रह रहे हैं? कश्मीर से आपका क्या मतलब है आप बताइए? कश्मीर से आपका क्या मतलब है? क्या वहाँ फ्री कश्मीर का नारा क्यों लगाया? शहनवाज जी बात करने दीजिए, आपने आप भी फ्री कश्मीर वाली हैं क्या? वो नारे क्या नारे लग रहे होते हैं? अरे बात तो करी रही है, आपको तो मौका मिलना चाहिए। आपको बात लंबा लंबा करती है, उसमें कुछ तथ्य भी तो रहे। फ्री कश्मीर का नारा क्यों लगाया गया? जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा। कश्मीर का नारा क्यों लगाया गया? अफजल को डिफेंड कर रही है, कश्मीर का नारा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो अफजल को आप सही बात नहीं कर रहे, उसको डिफेंड यहाँ पर कश्मीर के बारे में कहा जाता था, खत्म हो गए। आज जब कश्मीर में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वही आज स्कूल चल रहे हैं, में भी है आज वहाँ चल रहा है, ऑडियो ओवल है पूरे, रिक्वेस्ट कर रहा नहीं है शहनवाज हुसैन, आपके पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड आपके पास आ रहा हूँ शहनवाज हुसैन, इफ्रा जान कम्प्लीट कर लीजिए। फ्री कश्मीर के साथ है, उसके खिलाफ है जी? कश्मीर से आपका क्या मतलब है? अगर कश्मीर से आपका मतलब है वहाँ की जमीन, तो फिर ये आपकी गलती है। अगर कश्मीर से मतलब है आपका वहाँ के कश्मीर से मतलब क्या? कश्मीर हमारा कश्मीर, बात खत्म हो गई। क्या कश्मीर, क्या तर्जुमा है आपका? कश्मीर बात खत्म, कश्मीर हमारा कश्मीर, कश्मीर है और रहेगा, बात खत्म। कश्मीर कश्मीरी किसके? कश्मीर कुछ भी कश्मीर, कश्मीर जायज नहीं है ना? कश्मीरी किसके हैं? चले 30 लाख लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट बंद है। अच्छा तो फिर ये बढ़िया है ना, फ्री कश्मीर आपके हिसाब से? एक मिनट, सियासी टक्कर सुन लीजिए, फ्री कश्मीर को लेकर बात आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। देखिए ये अनएक्सेप्टेबल है, अगर इस तरह का जो लोग प्रदर्शन में शामिल हैं और उस तरह के पोस्टर और इस तरह के बैनर होंगे, तो आप प्रदर्शन में शामिल लोगों की मंशा और मकसद समझ सकते हैं। फ्री कश्मीर का मतलब क्या है? कश्मीर में आज जो हो रहा है, लोगों को अंदर रखा है, बहुत सारे लोग अभी भी अंदर हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, और जबरदस्ती सब जो किया जाता है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल नहीं चलते, ये सारा मामला है, उससे हमें मुक्त करो। अतुल अंजान, उसके बाद शाहनवाज हुसैन। अतुल अंजान, आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी, वो कह रहे हैं कि कम से कम ये तो साबित होता है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग जेएनयू के आंदोलन में शामिल हैं। अब बहुत से ऐसे लोग भी सरकार में शामिल हैं जो समझते हैं कि 15-16 करोड़ मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए, वो खुलेआम वकालत करते हैं केंद्र की सरकार में बैठे उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, कि सवाल जेएनयू का है, अगर आप समझते हैं कि जेएनयू की प्रेसिडेंट आयशा घोष को मारना, लाठियों से मारना, उसके पैर तोड़ देना और उसके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार करना सही है, तो मैं कहता हूं और अत्याचार करो। अगर आप समझते हैं किसी विश्वविद्यालय में पुलिस के सामने ही लड़कियों को, प्रोफेसर, महिला प्रोफेसरों को पीट दिया जाए, वहां गुंडई की जाए, बत्ती बंद कर दी जाए, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाएं, वहां इंटरनेट खत्म कर दिया जाए, मोबाइल सेवाएं बंद कर दिया जाए, सरकार की पुलिस के सामने ये हो, जो केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है, तो आप इसको जारी रखिए। आजादी का मतलब ये नहीं है, मैं आपसे कहूं कि आजादी, जो आजाद कश्मीर की बात करते हैं, वो मतलब देश को पृथकता की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर बंटवारे के बाद कश्मीर के अंदर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो आजाद कश्मीर है। उसकी आजादी की बात करने वाले लोगों से बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए, और कश्मीर के अंदर वहां के नागरिकों को पीने का पानी देना, डॉक्टरी सुख सुविधाएं देना, बच्चों को अस्पताल की सुविधा देना, इंटरनेट की सुविधा देना, पढ़ाई की सुविधा देना, इसके लिए अगर कोई है तो उसकी बात की जानी चाहिए, वो सारी तरफ बात है। और इस आंदोलन में जो लोग ये पोस्टर लेके घूम रहे हैं वो नादान है, कृपया इससे निकल जाए बाहर, इस तरह के तत्वों को लात मार करके बाहर निकाल दीजिए इस आंदोलन से, जो फ्री कश्मीर का जो है ये नादान नहीं है ना, बाहर निकाल दीजिए, ये देशद्रोही लोग हैं।
ये फ्री कश्मीर जो लिख रहे हैं वो देशद्रोही, छोड़िए देशद्रोही और देश समर्थक कितने हैं, इसकी चर्चा मत कीजिए, इसकी चर्चा मत कीजिए, बात दूर तक जाएगी। देशद्रोही वो है जिन्होंने जेएनयू में उस निरीह महिला अध्यक्षा को लहराने वाले देशद्रोही। एक मिनट रुकिए, एक खबर बतानी जरूरी है, हंसराज एक हंसराज अहीर फ्री पोस्टर, फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाने वाले देशद्रोही, ये हंसराज अहीर की तरफ से बयान आया, फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराने वाले देशद्रोही, देशद्रोही हुए ना सर अवनीजेश अवस्थी। एक बार सुना देते हैं हंसराज अहीर को, उसके बाद आप बोलिएगा अवनीजेश अवस्थी। ये तो देश के खिलाफ में ये हरकतें हो रही हैं, फ्री कश्मीर कहें और सीए का बिना समझे विरोध करें, ये दोनों भी देश के हित में हो नहीं रहा है, और ऐसी हरकतों के खिलाफ में सरकार कदम उठाएगी, पुलिस भी करेगी, पुलिस नहीं करेगी तो सरकार उसकी दखल लेगी, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देश के खिलाफ में देश के विभाजन की जो बात करते हैं, ये देशद्रोही माने जाने चाहिए। पूरा देश और दुनिया में इस कार्रवाई का समर्थन हो रहा है, कुछ चंद लोग अराजकवादी है जो इस तरह के आजादी का नारा लगाते हैं, लेकिन अब कश्मीर में भी कोई नहीं लगाता, अब बाहर जाके कोई लगाए उसका कोई मतलब नहीं है। शाहनवाज हुसैन, उसके बाद अवनीजेश अवस्थी। शाहनवाज हुसैन, ये नादान है या देशद्रोही? अतुल अंजान कह रहे हैं नादान है, या ना आ रहा उसके बाद आपके पास। देखिए नादान नहीं है ये, ऐसे तत्वों देखिए ये नादान नहीं है, लिखने में बहुत वक्त लगता है और इतना बड़ा बैनर बनाना, उसको लिखना और वहां पर लेकर आना, उन्हें मालूम है कि इंटरनेशनल प्रेस भी उसको देखेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोपेगंडा किया गया था वो तो, अरे ये कौन बोल रहे, ये कौन बोल रहे हैं आपको इंटरनेशनल प्रेस से, हमें तो आपसे फ्री कश्मीर वाली है, भी नहीं डर लगता, आप अपना देश के खिलाफ, अच्छा लिखिए फ्री कश्मीर, इतना बोलती है कहाँ डर लगता है, लिखिए ना फ्री कश्मीर, लिखिए ये लीजिए पेपर लीजिए, ये लीजिए लिखिए फ्री कश्मीर, आप रोज जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, गुंडागर्दी गुंडे लेके जाते हैं जेएनयू में, आप पुलिस को लेके खामोश कराइए तो बोला जान से पहले जजमेंट करवाएंगी, आप पुलिस को दिक्कत ये है, इनको लगता है टेलीविजन पर बैठ गए पूरा टेलीविजन कब्जा हो गया, जम्मू कश्मीर, कश्मीर का फ्री कश्मीर क्या है, कश्मीर के बारे में जितनी बातें, देखिए इनकी जबान थोड़ा ठीक कराइए, कुछ नहीं बोल रही है, महिला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इससे बहस नहीं करूंगा, ये कुछ भी बोलती है मैं इससे कोई नहीं बात करने वाला, एक जगह से दंगा दूसरी जगह से दंगा, नहीं देखिए अमन जी शर्म आना और ये सब बोले दीजिए ना, जवाब देने दीजिए, ऐसे नहीं जवाब देने दीजिए, बोलिए 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 शाहनवाज हुसैन, अब एक मिनट इफ्राजान, प्लीज प्लीज इफ्राजान, इस तरह से ये हैकलिंग मत करिए, आप हैकलिंग मत करिए, इस तरह से मत करिए, आपकी होती है तो आप परेशान होती है, आप सबके बीच में बोलती है, जब कोई आपके बीच में बोलता है तो आप बहुत परेशान होती है, मत बीच में बोलिए ना, मत बीच में बोलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शाहनवाज हुसैन कंप्लीट करिए, आतंकवादियों की पैरवी करना, उग्रवादी की पैरवी करना, अलगाववादियों की पैरवी करना, कश्मीर के नाम पर पूरे दुनिया को गुमराह करना, इन्होंने तो ये काम ले रखा है, इनको जब बुलाते हैं क्या फ्री कश्मीर है, कश्मीर के अंदर पूरी तरह आज वो अभिनंग है, और कश्मीर के अंदर तो 90 से लग रहे हैं, जब कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया तो तब से लग रहा है आजाद कश्मीर के नारे, कश्मीर के अंदर बच्चे कश्मीरी पंडितों को जब मार के भगाया था तब से लग रहे हैं आजाद कश्मीर के नारे, कुछ हुआ तब से 2002 भी हुआ है अमन चोपड़ा जी, चलिए यही लोग हैं, इन्हीं के लोगों ने कश्मीर को भगाने का काम किया, इन लोगों ने कश्मीरी पंडित को, इन्हीं के लोगों ने जो लोग आज वकालत कर रहे हैं उन्होंने भगाने का काम किया, उनको मजहब के नाम पर सताने का काम किया, ठीक है अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश अवस्थी ठीक है, एक मिनट अब, एक मिनट अब इफ्रा प्लीज अवनीजेश अवस्थी और उसके बाद जाना मैं आपके पास, बात नहीं हुई अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश अवस्थी प्लीज, अवनीजेश अवस्थी, फ्री कश्मीर, अमन जी अतुल अंजान को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जिस महिला पर, प्रोफेसरों पर आपको असॉल्ट का बहुत दुख हो रहा है, उससे महीने भर पहले फीस वृद्धि के विरोध में जो वहां पे गए, वहां पर एक महिला प्रोफेसर को 36 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको खाना पानी तक नसीब नहीं हुआ, इन तमाम लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला,
वहां पर लगातार पिछले दिनों जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे उनके सर फाड़े गए, तब कोई बात नहीं हुई, तब कोई हिंसा नहीं हुई। हॉस्पिटल में कितने जालिया में पुलिस घुसती है तो कैसे घुसी? जेएनयू में पुलिस नहीं घुसी तो क्यों नहीं घुसी? ये अतुल अंजान, ये अब चलने वाला है नहीं। याना, 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 फ्री कश्मीर, याना फ्री कश्मीर का क्या मतलब है? फ्री इंटरनेट? अमन अमन, आप मेरे पास लास्ट में आए हैं, हाँ। तो मुझे ज्यादा टाइम दीजिए, मुझे कम से कम 40 सेकंड दीजिए बात करने के लिए, और प्लीज कोई इंटरप्ट ना करे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है, फ्री कश्मीर के पोस्टर से लेके जेएनयू तक। तो फ्री कश्मीर का मैं पहले मुद्दा पकड़ लेती हूँ। तो फ्री कश्मीर का ये है कि अगर आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुला ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कभी भी इंटरनेट शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेट शुरू नहीं कर रहा है। लोग जो बाहर हैं वहां पर उनका कभी नहीं हुआ है। आज आज ही अभी ये लोग इंटरप्ट करने लगे हैं। अमन लेट मी स्पीक, नहीं तो फिर ये बीच में इंटरप्ट करके व्यूअर्स तक सही बात ना जाए, ये यही कर रहे हैं। अच्छा, और आप बात करते हैं ये जो कांग्रेस का जो ये जो हार मिली है ना उनको 2014 और फिर 2019 में, वो समझ गए हैं, ऑपोजिशन समझ गई है कि अब जीतने के लिए हमें सिर्फ नफरत ही फैलानी है। तो ये जो नेक्सस है ना, ये सबको यूज कर रहे हैं, कभी बॉलीवुड स्टार्स को यूज कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स को यूज कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। तो एक ही मैदान में आके सब कुछ बोलो, सीएए के खिलाफ भी बोलो, कश्मीर के खिलाफ भी बोलो, इसके खिलाफ भी बोलो, एनआरसी के खिलाफ, और उनकी हर बात कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोले, जब मोदी के खिलाफ बोले, अमित शाह के खिलाफ बोला जाए, सियासी वार पलटवार होना चाहिए। लेकिन फ्री कश्मीर के बाद ये लोग कहते हैं कि जेएनयू, फ्री कश्मीर चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए फ्री कश्मीर कहने की। बस मैं इतनी कहने की कोशिश कर रहा था। शुक्रिया सबका, टाइम इतना ही था याना, आई एम सॉरी, टाइम इतना ही था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी निर्भया का न्याय दिवस, 22 जनवरी सुबह 7 बजे निर्भया के गुनहगारों को लटकाया जाएगा, 22 जनवरी निर्भया का न्याय दिवस, थोड़े से देखिए।